दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ मैं अब आज हम श्रीनाथ एजेंसी हाथीबाटा से और सुभाष आयुर्वेदिक स्टोर जीपीओ के सामने से हम दोनों आए हैं हम 100 जनों को च्यवनप्राश बांट रहे हैं च्यवनप्राश जो है ये बलवर्धक है और अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है तो हम चाहते च्यवनप्राश जो डब्बे बांटे आपने कहाँ बांटे और हाँ हमने आज ट्रैफिक पुलिस ऑफिस ऑफिस पे उनको लोगों को च्यवनप्राश बांटे 100 डिब्बे च्यवनप्राश जो च्यवनप्राश बांटे आप क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से और लोगों से यही है कि अपील अगर च्यवनप्राश जो खाएंगे ना तो कोरोना थोड़ा दूर रहेगा कोरोना से लड़ने की क्षमता है इसमें च्यवनप्राश में और इसमें जो दिए हैं हमने ये मोहतारी बीकानेर के च्यवनप्राश दिए हैं बहुत ही ट्रस्ट कंपनी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आज जवानों को बांटे इनको बांटना क्यों उनको बांटने का उद्देश्य ये है ये लोग गर्मी में खड़े हैं बरसात में खड़े हैं रात को ड्यूटी दे रहे हैं तो इनकी पावर क्षमता बढ़ाने के लिए उसके लिए ये च्यवनप्राश दिया जा रहा है आज कहाँ बांटे आपने च्यवनप्राश के ट्रैफिक ऑफिस में हाँ आपका नाम जगदीश भाटिया श्रीनाथ एजेंसी आज मैं मेरा नाम केशव खंडेलवाल है और मैं सुभाष आयुर्वेदिक स्टोर से आया हूँ बस हमारा यही उद्देश्य है कि जो हमारी पुलिस कर्मी हैं डॉक्टर लोग हैं जो हमारे दिन रात हमारे देश के लिए सेवा करते जा रहे हैं तो उनके लिए हमारे कुछ करने का कर्तव्य हमारा भी बनता है तो हमने इसी उपलक्ष्य में हमने उनको आज च्यवनप्राश बांटे गए हैं ये उनको ताकत देगा इस लड़ाई से लड़ने के लिए और हमारे देश को बचाने के लिए तो बस हमारा यही उद्देश्य है कि ना जो जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं हमारे देश की आन बान और शान है पुलिसकर्मी हैं और डॉक्टर लोग हैं उनको सल्यूट बनता है हमारी तरफ से और बस मेरी यही अपील है कि थोड़ा हमारा एक कर्तव्य है कि हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे भी आपका केशव खंडेलवाल